हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आप सभी का स्वागत करते हुए अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का जो मैं शुरुआत कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि जो मेरी तैयारी हो रही है, जैसे कि मैंने बताया था मैं गांव जाने वाली हूँ, तो रात में जितनी भी मेरी मलाई रखी हुई थी फ्रिज में, सब निकाल के मैं यहाँ पर बना रही हूँ मक्खन। और कुछ घी बना के रख दिया था, कुछ मक्खन रख दिया था, तो यही सब था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेट नाइट यहाँ मैं पैकिंग में लगी हुई हूँ। तो शाम से ही मैंने अपने कपड़े, कुछ सर्दियों के कपड़े निकाले थे बैड से, तो पैकिंग करना शुरू कर दिया। बैग निकाल लिए थे और सच में इतना फैल गया था घर। और यहाँ पे मैंने रात को लगाया था अपना एक मोदी केयर का एक प्रोडक्ट है, जो कि मैंने मास्क होता है रोजमेरी का, ये फेस पैक होता है और मुल्तानी वाला, बहुत अच्छा रहता है सच में, तो यही लगाया था। और यहाँ पर बना लिए थे मैंने सेवैयाँ कृष्णा के भोग के लिए। और यहाँ बनाई थी मैंने मैगी फ्राई की थी, क्योंकि मैं इतनी पैकिंग में लगी थी। और वॉश कर दिया एकदम सॉफ्टली, इंग्रीडियंट्स लग रहे हैं। और अब मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है ये सब, रोजमेरी पैक, मेरे मोदी केयर का सबसे फेवरेट। मैंने लगाया था ये भोग कान्हा का सेवैयाँ। और कान्हा जी जाएंगे कल नानी के घर, तो मैं कान्हा जी को सुला देती हूँ। खुश हो रहे हैं कान्हा जी अपने कान्हा को यहाँ पर साइन कराने। और कान्हा की मैंने रात ही सारी पैकिंग कर चुकी हूँ, ये देखिए पूरा उनका पैकिंग हो चुकी है, उनके सबसे पहले पैकिंग हुई है। कान्हा के खुश हैं बहुत, दावत पार्टी में जाएंगे कान्हा। तो वैसे ये एक नथनी है मेरी, और ये कुछ टाइप की बिंदी है देखिए, और ये मेरी एक कमरबंद है जो मैंने ये भी लिया था। रात के बजे हैं एक, और मैं अभी पैकिंग कर रही हूँ। मैं आपको दिखा दी, मैंने बेड खोला था जैसे गर्म कपड़े निकाले थे, क्योंकि सर्दियों में गर्म कपड़े। एक बजा नींद भी आ रही है, पूरा दिन निकल गया, सुबह से नहीं सोया है मेरी वजह से। चलिए कर लेती हूँ और पैकिंग थोड़ी सी। 1:30 और फाइनली मेरी पैकिंग हुई है डन। तो यही पैकिंग नहीं है, इसमें मैं अपना साड़ी वगैरह और लहंगा रखूँगी। मैंने बड़ा बैग निकाल लिया है, क्योंकि कैन कैन होता ना तो काफ़ी हैवी होता है। इधर मैंने छोटा बैग शिवांश के लिए लगाया है, सारी ज्वेलरी चूड़ियाँ। दोनों हाथ से प्यार से उठाओ, नानी के घर जाएंगे कान्हा। अरे वहीं बिठा दे, अभी कपड़ा उड़ा दे, ठंड लग जाएगी। बिठाओ आराम से अच्छे से। कृष्णा उठ गए हैं, शिवांश भी उठ गया था स्कूल, और जल्दी से कृष्णा को उठा दिया है कपड़ा, शॉल उड़ा दे, दूसरा वाला उड़ा देता है सुबह सुबह उठा के ना उनको। तो यहाँ पर मेरे कन्हैया के आप, तो ये देखिए गाइस, कान्हा जी हो गए हैं तैयार नानी के घर के लिए, और मैंने ये वाली ड्रेस उनको पहनाई है। और कितने प्यारे लग रहे हैं नाना जी नानी के घर जाने के लिए। शो कान्हा कितने प्यारे लग रहे हैं, खुश भी दिख रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं। तो चलिए ना कान्हा जी के लिए जल्दी से भोग लगा देती हूँ, और यहाँ पैकिंग कर दिए मेरे साथ, कान्हा जाएंगे साथ में। और यहाँ मैंने पूजा कर ली है, बस मैं तैयार हो गई हूँ, सारी पैकिंग रात कर ली थी, अब हम निकलेंगे। तो जल्दी से खा लो कान्हा जी, तो फटाफट चलते हैं नानी के घर, है ना। और मैं कान्हा जी की बस एक छोटी दूसरी वही कटोरी है, कटोरी ले जाऊँगी, एक गिलास ले जाऊँगी, एक छोटी प्लेट लेके जाऊँगी रास्ते के लिए। और मैंने यहाँ पर तुलसी के पत्ते तोड़ लिए, क्योंकि कल एकादशी है, तो एकादशी में नहीं तोड़ते पत्ते, तो मैंने वॉश करके यहाँ पर तुलसी के पत्ते भी आज ही तोड़ लिए कुछ, और इनको रख लूँगी मैं एक रैपर में, ताकि रास्ते में भी कृष्णा को कुछ फल फ्रूट, और उनका रास्ते में भी तो भूख लगेगी ना कृष्णा को, तो मैं अपने लेके जाऊँगी। और ये हो जाएगा हमारे कान्हा जी का सिंहासन, जो है उनकी जो चौकी है वो खाली हो जाएगी, और दावत खा के आएंगे। कृष्णा गाँव में है, कृष्ण चलते हैं जब। और बहुत सारा पानी निकला था मेरे बालों में मेहंदी वाला, तो मैंने दिलवा करके वॉश किया, और मैं वही टावल लिया ब्लैक वाली, ताकि इसके कलर निकले तो दिखाना, और मैं भी चेंज कर लेती हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर मैंने अपना जो लहंगा ठीक कराया था, वो अपने ब्लाउज ले लिए हैं, और अब मैं जल्दी से निकल गई हूँ, शिवांस के चेहरा वेट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे बैग और हमारी पैकिंग हो चुकी है, यहाँ रेडी हो गई हूँ, और मैंने बाल वॉश कर लिए हैं अपने मेहंदी के बाद, ठीक हो गए, अच्छे हो गए हैं बाल मेरे। और यहाँ पे मैंने इस बैंग, इसमें कुछ इस तरह की बैंगल्स डाल रखी है, और यहाँ पे ये वाली
तो ये वाली मैंने पहनी हुई है और बस अब हम निकल रहे हैं। मैं भी गोपाल जी भी तैयार है, शिवांश को तैयार करना बाकी है और मैं अपने कपड़े भी जो मैंने सिलाई के लिए दे रखे थे वो भी मैं लेके आ गई हूँ फटाफट से। मैं अपने देख रही हूँ कि अब पता चल रहा है मेरे बालों की कटिंग में, वॉश के बाद पता चल रहा है, तो ऑयल लग रहा था तब पता नहीं चल रहा था, तो अच्छे लग रहे हैं। बस अब हम जल्दी से निकलेंगे और मिलेंगे आपको। रास्ते की कुछ वीडियोज़ ले लूँगी मैं, तो बस अब आपको मम्मी के घर पर मिलेंगे। ये देख सकते हो हम बस निकलने के लिए, यहाँ पे मैंने थोड़े से ये रात की दाल बची थी, दाल के बना लिए पराठे रास्ते के लिए। और यहाँ पे मैंने कान्हा जी के लिए रख लिए एप्पल, दो इसमें पानी की बोतल रख दी है, उनकी छोटी सी प्लेट कटोरी और थोड़ी इनके लिए मिस्टी रख ली है डिब्बी में लगा के। और यहाँ पे मैं जल्दी से बना रही हूँ पराठे, तो थोड़ा सा लंबा सफ़र होता हमारा, तो रास्ते में अपने घर के पराठे खा लेंगे। और मैं कान्हा जी के लिए बस प्लेन एक पराठा बना देती हूँ और एक गाय के लिए। तो जल्दी जल्दी देखो कुछ सामान चला गया है, लेके चले गए हैं नीचे। अरे बात तो करो। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सारे पराठे बना लिए हैं, खाना के लिए भी बना के रख लिया है, रास्ते के लिए मिश्री भी खा गई है, उनको एप्पल वगैरह रख लिया है। मैं सारे बर्तन हो गए, पूरी गिलास ये साफ कर लिया। आओ खाना जी को देखें, चलो खाना जी को उठाएंगे वहाँ से, मैंने हैंड वॉश कर लिया। चलो खाना जी, जय श्री श्याम, जय खाते श्याम। वहाँ पे ये थोड़ा सा मिश्री खा ले, ये ले मिश्री। और खाना जी चलिए आप, तो मेरे खाना चल रहे हैं और यहाँ पर गौ माता के लिए मैंने रोटी बना कर दी, तो उनका मोर पंख यहीं छोड़ देंगे हम या साथ में लेकर चलते हैं, है ना। और इनका आसन यहाँ पर डाल लेंगे, इसको रख लेती हूँ गद्दे को, ना गद्दा रख लिया है और ऐसे बैठे हैं मेरे कान। हाँ चलो नानी के घर, ये लोग बांसुरी इनके साथ है। चलो सभी को राधे राधे बोल दो कान्हा, और हम इधर दिखाओ मम्मी को। तो यहाँ पे मेरे कन्हैया भी चाहिए नानी के, करो, और किस करो। ये मैं उनके लेके जा रही हूँ ऐसे किस करो ना, तो बाय बाय कहो। ये तो लग रहा है आपने ये ऐसे चल रहे हो, यहाँ के बैग लेके जा रहे हो। मैंने सब लॉक कर दिया है और मेरे खाना और कपड़े ले लिए हैं और अब जा रहे हैं, तो खाना भी चल दिए हम जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं, हाँ श्री राधे श्री कृष्णा। इतनी खुशी पेट्रोल पंप। सो फ्रेंड्स हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं और 2 बजे हम निकल लिए थे। शिवांश हेलो, पलवल से काफ़ी दूर आ गए हैं, नोएडा की तरफ जा ही रहे हैं और हमारा बीच में थोड़ा सा खाना पीना मिल गया है, खाना जी ने खा लिया है, वीडियो सिवान से हमने चेंज नहीं कर लिया, सिवान पीछे चला गया है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुँच गए हैं अपने होम टाउन ग्लेन शहर और सारे टोल टैक्स हम हाईवे क्लियर करते हुए सीधा एंट्री कर दी है हमने ग्लेन शहर में और बस सीधे सीधे चले आए, कहीं ब्रेक किया नहीं हमने, बस 5 मिनट का ब्रेक लिया था थोड़ा खाना खाने के लिए। और ये है हमारा होम टाउन ग्लेन शहर डिस्ट्रिक्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे काम चल रहा है कुछ इस हाईवे पे।
घर के लिए गर्मा गर्म बना रहे हैं भैया दिवाली में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं शिवाली पहुँच गई थी और घर के लिए कुछ ले लिए थे यहाँ पे मूंगफली वगैरह और जलेबी, और इसके बाद बस मैं घर पहुँचूँगी। नेक्स्ट पार्ट में आपको जल्दी ही मिलूँगी मम्मी के घर पे, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया था तो आपको वेट करना पड़ेगा। और बहुत अच्छी अच्छी आपके साथ ब्लॉग शेयर होने वाले हैं, तो आप बने रहें इस वीडियो में। इस वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।